और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। 82 साल के मुलायम सिंह यादव काफी लंबे वक्त से बीमार थे। पिछले कई दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधायक बन के चुने गए और उसके बाद उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक का सफर तय किया। 1989 में वो पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद दो बार वो मुख्यमंत्री बने। 1996 में लेफ्ट पार्टी की सरकार के दौरान वो दो साल तक डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और इस वक्त वो मैनपुरी से सांसद हैं। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, काफ़ी समय से हेल्थ की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे, मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में भर्ती थे, लेकिन 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहले ही तमाम जो समर्थक है उन्हें अस्पताल आने के लिए मना कर रहे थे और आपको बता दें 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 8 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अहदे पर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। इसके अलावा 2 साल रक्षा मंत्री के पद पर रहे, 21 साल वो सांसद रहे और 25 साल विधायक के पद पर रहे हैं। स्थापना समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव ने की, कई बड़े कारनामे तो कई बड़े विवाद भी मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े रहे। आपको बता दें पिछले रविवार को मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। लंबे वक्त से उन्हें सांस लेने की तकलीफ बनी हुई थी, इसके अलावा उन्हें यूरिन इन्फेक्शन भी था। अब खबर ये आ रही है कि नेताजी नहीं रहे, नेताजी के नाम से अक्सर मुलायम सिंह यादव को जाना जाता रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरी छाप मुलायम सिंह यादव ने छोड़ी है। ये किसी से छुपा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने देश की राजनीति में भूचाल भी ला दिया। कई ऐसे विवाद भी रहे जो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े रहे और मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई है। काफी वक्त से वो बीमार थे, लगातार उनका हेल्थ बुलेटिन भी आता रहा है जिसमें ये बताया जाता रहा डॉक्टरों की ओर से कि कोई सुधार उनकी सेहत में नहीं हो रहा था। और आपको बता दें अब लंबी बीमारी के साथ अब मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे।